राम राम साथियों, मैं हूं गुड्डू दत्तो और आप देख रहे हैं वैदिक भारत यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अभी 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुकी है और आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुका है, तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करके और आगे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आगे देश और धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, 100 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। जय हिंद। तो आज का हमारा वीडियो है एक ऐसी घटना के बारे में जो इतिहास में जितने बड़ी हत्याकांड, इतिहास में जितना बड़ा बड़ा हत्याकांड हुआ है, इसमें से एक हत्याकांड के बारे में, और ये भारत का इतिहास है, इसके बारे में सबको, भारत के सबको जानकारी होना चाहिए। बहुत लोगों को तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन आज जो मैं इसमें से निकाल कर कुछ ऐसे बातें करूंगा आपके सामने जो आपको शायद जानकारी नहीं है, और शायद इस तारीख का जो सामने 13 अप्रैल है, इस तारीख का सबको याद नहीं है इस तारीख में इतिहास में क्या हुआ था हिंदुस्तान में, तो इस बारे में आपसे बातचीत करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश में, पूरा देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो इसी समय ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के लिए एक्ट लाया था, एक बिल लाया था, रूरल एक्ट। तो उस रूरल एक्ट के विरुद्ध में पूरा देश में विरोध हो रहा था, तो इसी विरोध के चलते पंजाब के अमृतसर गांव के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजन हुआ था। स्थानीय लोगों ने इस सभा को आयोजन किया था और डेट था 1999 का 13 अप्रैल। तो उस दिन उस रूरल एक्ट के विरोध में हरि मंदिर और स्वर्ण मंदिर, दो मंदिर था, तो उस मंदिर में लोग बैसाखी उत्सव के लिए उधर मंदिर में गए थे, तो उसी पास में था वो जालियांवाला बाग, तो उस जालियांवाला बाग में भी कुछ लोग देखने के लिए, घूमने के लिए गए थे। तो उधर चल रहा था एक सभा चल रहा था, उस सभा में लगभग 20,000 लोग थे। तो जैसे कि वो पूरा पंजाब में उसी समय कर्फ्यू जारी था, लोग एकत्र नहीं हो सकते थे, फिर भी उधर लोग छुप कर ये सभा कर रहे थे। तो उस सभा के खबर मिल गई थी कैप्टन ब्रिगेडियर के पास, तो कैप्टन ब्रिगेडियर पूरा अपने सेना के साथ उस सभा में आए और अपने पूरा फौज के साथ उस सभा में आए और आके अपने इस जालियांवाला बाग के एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे को तब से बंद कर दिया था कैप्टन ब्रिगेडियर ने, और आके एक ही आवाज बोला इन सैनिकों को, कैप्टन ब्रिगेडियर के साथ जो सैनिक आए थे उनको एक ही आवाज बोला फायर। तो एक ही आवाज में, फायर की आवाज में पूरा सैनिक अपने बंदूक में जितने गोली थे पूरा गोली पूरा 10 मिनट तक चलाते रहे। तो इस 10 मिनट में 20,000 के लोगों के बीच में इस 10 मिनट में इतना गोली चली, जो कहते हैं 1650 राउंड गोली चली थी, और इस जालियांवाला बाग के एक ही दरवाजा था, उस दरवाजे को कैप्टन ब्रिगेडियर ने बंद कर दिया था। लोगों को जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, हजारों लोग उधर पड़े हुए थे, लाशों का ढेर लग गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 10-15-20 लाशों का ढेर लग गया था। उस जालियांवाला बाग में हर दिन भरपूर सिंह नाम का एक 4 साल का बच्चा अपना चाचा के साथ घूमने आता था, तो उसी दिन शाम को लगभग 4 बजे उस जालियांवाला बाग में आया, तो उसके चाचा ने इस घटना को देखकर, उन ब्रिगेडियर के सैनिकों को देख के, इस गोलीबारी का देख के, उस बच्चे को, जालियांवाला बाग के पास में एक रतन देवी नाम का एक महिला का घर था, तो उस दिन रतन देवी अपने घर से गोली की आवाज सुनकर दौड़ते हुए चिल्लाते हुए वहां पर आए और अपने पति का ढूंढने लगे। तो पति को ढूंढते ढूंढते लाशों को हटाते हटाते अचानक उनके पति के मृत शरीर के ऊपर आंख पड़ी, तो वो उनको उनके पति को पकड़ के रोने लगे और हर तरफ
खून ही खून था। वो क्या करे, वो उनको कैसे घर में लेके आए वो सोचने लगे, लेकिन कोई भी नहीं था उधर उनको सहायता करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। तो कुछ ही टाइम बाद शाम होने वाला था, तो कुछ ही टाइम बाद एक दो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा वो वहां पर आए। तो रतन देवी ने उन बच्चों को बोला था थोड़ा हेल्प करने के लिए, एक चार पहिए लेके आने के लिए, जैसे उनको उनको उठा के लेके जा सके, क्योंकि उधर चारों तरफ खून ही खून था, लाशों की ढेर लगी हुई थी। लेकिन वो बच्चे तो बोल के गए ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। रतन देवी उधर अकेले रोते रहे। कुछ टाइम बाद और एक आदमी आया, तो रतन देवी ने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उनके बात मानकर, रतन देवी के रिक्वेस्ट मानकर, वो आदमी रतन देवी के पति के पैर पकड़े और रतन देवी ने उनके हाथ पकड़कर थोड़ा साइड में थोड़ा बाजू में लेके गए। उधर जाके रतन देवी ने अपने पति की शरीर को अपने गोद में लेते हुए पूरा रात भर उधर रहे। लगभग रात 10 बज रहा था, तब भी रतन देवी के पास में एक छोटा सा लड़का था जो लेटा हुआ था, उसका शरीर पे गोली लगा था, तो वो धीरे धीरे आवाज दे रहा था पानी पानी। रतन देवी को लगा कि इसको अभी पानी कहाँ से ला के दे, और वो पूरा टेंशन में था। तो रतन देवी ने बोला पानी तो नहीं मिल सकता बच्चा, लेकिन तू मत चिंता मत करना मैं हूँ। तो वो लड़का दोबारा बोला कि ठीक है आप मुझे छोड़ के मत जाइए, आप रहिए इधर। फिर रतन देवी ने एक डंडा हाथ में लेके वो पूरा रात इधर बैठे रहे, अपने पति को हाथ में लेके रोते रहे। किसी का कोई हेल्प नहीं आया, कोई आवाज नहीं आया बाहर से, क्योंकि बाहर चारों तरफ बिजली नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने, जनरल डायर ने बिजली को काट दिया था, पानी की सुविधा काट दिया था, और सबको बताया गया था कि घर से बाहर ना निकले। तो कुछ ही टाइम बाद उस बच्चे की आवाज भी रतन देवी को सुनाई नहीं दिया, मतलब वो बच्चा भी मर चुका था। पूरा रात भर रतन देवी अपने पति को, पति के मृत शरीर को हाथ में लेके उधर बैठी हुई थी। सुबह हुआ तब गांव के लोग, एक दो लोग आए थे उधर, कुछ लोग आए थे। अच्छा, उसी टाइम उसी घटना में एक 7 महीना का भी बच्चा था, वो अपने माँ के साथ, वो अपने माँ उसके उस बच्चे को गोद में लेके उधर मंदिर को घूमने के लिए आए थे, और उस घटना में जलियांवाला बाग में आए थे उस बैठक के पास वो देखने के लिए। लेकिन उस 7 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कुछ लोग तो उस बाजू में एक पैर था, पैर के पीछे छुपा हुआ था। उस जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आवाज दिया कि उस पैर की ओर गोली चलाने के लिए। उस सैनिकों ने उस पैर की ओर गोली चलाया। कुछ लोग उस तरफ चारों ओर पूरा हल्ला मचा हुआ था, भागो भागो शोर मचा हुआ था। बीच में एक कुआं था, तो उन लोग अपना जान बचाने के लिए उस कुएं में गिरने लगे। 100 के ऊपर 100 लोग उधर गिरने लगे अपने जान बचाने के लिए, लेकिन वो कुएं में गिर के अपने जान दे दिए सब लोगों ने। उस दिन की कहानी, लगभग 3000 के करीब लोग उस जगह पर मरा हुआ था। कुछ लोगों का तो उसका परिचय नहीं हुआ था, उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे लोग, और कुछ लोग अपने हॉस्पिटल में जाके मरे, कुछ लोग घर में जाके, हॉस्पिटल नहीं जा पाए क्योंकि उधर हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं था, बिजली का सुविधा नहीं था, हॉस्पिटल का कोई सुविधा, मेडिकल का कोई सुविधा नहीं था। तो कुछ लोग अपना घर में जाके मरे, कुछ लोग तो इस जगह पर मरे, लेकिन लगभग 3000 से अधिक लोग मरे थे, और 5 से 7 हजार तक लोग घायल हुए थे, जो कुछ ही लोग घर में जाके मरे थे। उसी दिन उस घटना में एक छोटा सा बच्चा था, शेर सिंह, बच्चे को शेर सिंह बुलाते थे, बाद में उनका नाम सरदार उधम सिंह नाम के में उनको सबने परिचय पाया, उनका परिचय सरदार उधम सिंह नाम में हुआ। आपको भी शायद उधम सिंह के नाम, सरदार उधम सिंह के नाम मालूम है, उनके बारे में मालूम है। तो उन्होंने इस घटना का बदला लिया था और जनरल डायर को 21 साल बाद वो इंग्लैंड में जाके उनका बदला लिया था। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस घटना में 400 लोग मरे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार छुपा रहा था। उस ब्रिटिश सरकार की तरफ से
एक जांच कमेटी बिठाया गया था जो इस घटना के विषय में जांच किया था, और इस घटना के 3 महीने बाद भी जो लोग इधर जाते थे उनको इस जगह में बदबू आता था और लाशों की सरने की दुर्गंध आता था। तो इस घटना हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान में जब भी क्रांति आया था इस घटना की वजह से आया था, क्रांति ऐसे नहीं आया था, क्रांति आया था इन लोगों की हत्या की वजह से, इन लोगों की मृत्यु की वजह से, इन लोगों के शहीद होने की वजह से। सरदार उधम सिंह, क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह 21 साल बाद जाके ब्रिटिश ने इंग्लैंड में जनरल डायर का हत्या किया। भगत सिंह ऐसा जो क्रांतिकारी वीर थे इस घटना के कारण से, क्योंकि इन वीरों को भी, इन लोगों को इधर जिन लोगों का हत्या हुआ था, जिन महिला का हत्या हुआ था, जिन छोटा बच्चा को हत्या हुआ था, और हत्या नहीं कह सकते हम लोग, उनको शहीद मान सकते, क्योंकि ये भी देश के लिए शहीद हुए थे, देश के लिए आपने बलिदान दिया था। तो आप लोग 13 अप्रैल को इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में पूरा जानकारी सबको पहुंचाए, और इसी दिन एक दिया अपना घर में भी जलाए इन लोगों के लिए, इन शहीदों के लिए, और इस वीडियो इधर सबको शेयर कीजिए। आप सबको संपूर्ण वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।